नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। अभिनेता सनी देओल भाजपा में हुए शामिल, पंजाब के गुरदासपुर से मिल सकता है टिकट। एक बार फिर सिनेमा का गहरा असर सियासत पर नजर आया है। बॉलीवुड के एक्शन स्टार सनी देओल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। 23 अप्रैल को सनी ने चुनावों के बीच दिल्ली में भाजपा ज्वाइन की और माना जा रहा है कि पंजाब की गुरदासपुर में सीट से उन्हें चुनावी समर में उतारा जाएगा। श्रीलंका धमाकों में मरने वाले भारतीयों की संख्या हुई 10, सुषमा स्वराज ने की पुष्टि। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर सिलसिलेवार बम धमाकों में मरने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। ट्विटर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बात की पुष्टि की है। इन हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 310 हो गई, वहीं 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। सीएम पद की दावेदारी बचाने के लिए जूझते नजर आएंगे कांग्रेस दिग्गज। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और नवीन जिंदल को छोड़कर हाईकमान ने सभी दिग्गजों को चुनाव में उतारा है। जिंदल व्यक्तिगत कारणों से चुनाव नहीं लड़ रहे, जबकि सुरजेवाला के पास हाईकमान के कार्यों की अधिकता है। आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच महागठबंधन के प्रयास सिरे नहीं चढ़ने के बाद हाईकमान ने अपनी रणनीति बदली और दिग्गजों को ही चुनाव लड़वाने का दाव खेला। चेन्नई के खिलाफ मैच से पहले हैदराबाद को लगा बड़ा झटका। आईपीएल 2019 सनराइजर हैदराबाद को चेन्नई के खिलाफ होने वाले मुकाबले से बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान केन विलियमसन स्वदेश वापस लौट आए हैं। वो अपनी दादी के निधन की वजह से न्यूजीलैंड चले गए हैं। बताया जा रहा है कि वो अब हैदराबाद के अगले मैच से पहले टीम के साथ फिर जुड़ जाएंगे। कैप्टन बोले, परमाणु हथियारों पर पीएम का बयान गैर जिम्मेदाराना है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परमाणु हथियारों को लेकर दिए गए बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। कैप्टन ने लोगों से अपील की कि बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस का समर्थन करें, क्योंकि भाजपा देश को बर्बादी के रास्ते पर ले गई है। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं, और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर, और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।